इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एटिक्सिम ओ दो टैबलेट एक, एक एंटीबायोटिक दवा है जो आपके शरीर में बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग की जाती है यह फेफड़ों यानी कि जैसे निमोनिया कान गले नेजल साइनस यूरिनरी ट्रैक्ट त्वचा सॉफ्ट टिश्यू हड्डियों और जोड़ों के इन्फेक्शन में प्रभावी है इसका इस्तेमाल सर्जरी के दौरान संक्रमण को रोकने में भी किया जाता है पेट खराब होने से बचाव के लिए एटेक्सिम ओ दो सौ टैबलेट को भोजन के साथ लिया जाना चाहिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार आपको नियमित रूप से समान अंतराल पर इसे लेना चाहिए इसे रोज एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रहेगा डोज इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं लेकिन आपको अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए अनुसार इस एंटीबायोटिक का कोर्स हमेशा पूरा करना चाहिए जब तक आप पूरा न कर लें तब तक इसे लेना बंद न करें भले ही आपको बेहतर महसूस होने लगा हो अगर आप इसे समय से पहले लेना बंद करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं और इन्फेक्शन वापस आ सकता है यह दवा फ्लू या सर्दी जैसे वायरल इन्फेक्शन के लिए काम नहीं करेगी जरूरत न होने पर भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से यह भविष्य में होने वाले संक्रमण के लिए कम प्रभावी हो सकता है इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट में रैश उल्टी लीवर एंजाइम में बढ़ जाना मिचली आना और डायरिया यानी कि दस्त शामिल हैं। ये आमतौर पर हल्के हैं लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या कुछ दिनों से अधिक समय तक रहते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं इसका उपयोग करने से पहले अगर आपको किसी भी एंटीबायोटिक से एलर्जी है या किडनी या लिवर संबंधी कोई समस्या हो तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए आपको अपने डॉक्टर को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि उन पर इस दवा का असर पड़ सकता है या वे इस पर असर डाल सकती हैं गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को इसका करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफ़िकेशन को क्लिक करें धन्यवाद